मैं नई मनोहर हाजिर हूँ आज के लेक्चर के साथ। आज हम कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन के बारे में बात करेंगे। तो पहला मीडियम हमारे पास है उसमें एक गाइडेड मीडिया, दूसरा है अनगाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया वो होते हैं जिसमें वायरों का इस्तेमाल किया जाए। फॉर एग्जाम्पल कॉपर वायर कम्युनिकेशन गाइडेड मीडिया, ऑप्टिक फाइबर कम्युनिकेशन वायर मीडिया गाइडेड मीडिया कहते हैं, क्वेक्सियल केबल इसको भी गाइडेड मीडिया कहते हैं। इसमें भी क्या है, वायर्स होते हैं। जो तीनों मीडिया हैं इसमें वायर का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसको गाइडेड मीडिया कहते हैं। अब आते हैं दूसरे पे जिसे हम कहते हैं अनगाइडेड मीडिया। अनगाइडेड मीडिया वो होते हैं जिसमें वायर का इस्तेमाल ना किया जाए। फॉर एग्जाम्पल कौन से, वाईफाई, नंबर दो माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी मीडिया, नंबर तीन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो वो मीडिया जिसमें वायर का इस्तेमाल ना हो उसे हम कहते हैं अनगाइडेड मीडिया। जिसमें वायर्स के इस्तेमाल हो, चाहे वो फाइबर की वायर्स हो, चाहे वो कॉपर की वायर्स हो, चाहे वो क्वेक्सियल की वायर हो, उसे हम कहते हैं गाइडेड मीडिया। गाइडेड मीडिया ये सेफ मीडिया होते हैं और ये तकरीबन अनसेफ मीडिया होते हैं। जो गाइडेड है सेफ एंड साउंड होते हैं और जो अनगाइडेड है वो सेफ एंड साउंड नहीं होते। इसमें सिग्नल आपके कहीं भी थ्रेस हो सकते हैं, लेकिन फाइबर में ये कम्युनिकेशन फाइबर कम्युनिकेशन है, इसमें किसी किस्म का कोई डाटा या कोई लॉसेस नहीं हो सकते जी। अब इधर आते हैं हम कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन में। कम्युनिकेशन ट्रांसमिशन में जब आते हैं तो मीडियम की बात हो रही है। हमारे पास चार मीडिया इस्तेमाल होते हैं। कौन सी जी, दुनिया में चार मीडिया कम्युनिकेशन के इस्तेमाल होते हैं जिसके जरिए दुनिया में कम्युनिकेशन कराई जाती है। पहला मीडियम हमारे पास है फिजिकल मीडिया। वो मीडिया जिसके जरिए वायर के जरिए कम्युनिकेशन कराई जाए उसे हम कहते हैं फिजिकल मीडिया। कौन सा पहला मीडिया कौन सा है हमारे पास, फिजिकल मीडिया। ऐसा मीडिया जो किसी तार के जरिए ट्रांसमिशन या पैगाम रसाने की जाए उसे हम कहते हैं फिजिकल मीडिया। दूसरा हमारा बड़ा अहम मीडिया है क्वेक्सियल केबल। क्वेक्सियल केबल में दो ही कंडक्टर इस्तेमाल होते हैं, एक इनर कहते हैं एक आउटर कहते हैं। ये मीडिया भी हमारा फिजिकल मीडिया है। इसके जरिए हम 140 मेगाबिट तक डाटा पर सेकंड के हिसाब से हम ट्रेवल करते हैं। ये क्या है, डुप्लेक्स कम्युनिकेशन कराता है, यानी कि ट्रांसमिट कम्युनिकेशन होती है और रिसीव भी, इसको हम कहते हैं डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। तीसरा हमारे पास मीडियम है माइक्रोवेव मीडियम, जिसका जो डाटा रेट है मैक्सिमम 400 एमबी और 800 एमबी तक हम जा रहे हैं। और ये जो मीडिया है इसको हम एरर मीडिया या फ्रिक्वेंसी के लिहाज से कम्युनिकेशन कराना माइक्रोवेव कहलाता है। इस मीडियम में हमारे पास कोई फिजिकल क्या है वायर इस्तेमाल नहीं की जाती, बल्कि लाइन ऑफ साइट पे, माइक्रोवेव क्या है लाइन ऑफ साइट पे कम्युनिकेशन कराई जाती है। इसका मैक्सिमम डाटा रेट जो है 800 एमबी पर सेकंड के हिसाब से रन कराया जाता है। आगे हमारे पास जो चौथा मीडियम है वो है फाइबर मीडिया। क्या है जी, फाइबर मीडिया है और फाइबर मीडिया जो है इंफिनिटी मैक होगा। इसमें लामहदूद चैनल है, इसमें डाटा और वॉइस एप्स नेट तीनों सर्विस चलाई जाती है। और इस पे आजकल जो है जो जदीद तरीन फाइबर पे नया सिस्टम आया है उसे हम कहते हैं GPON, गीगा पैसिव ऑप्टिक नेटवर्क। इसका जो है लास्ट डेटा जो है हमने होम टू होम या फाइबर टू होम कहते हैं, वहां इसमें हमने आपको 1 गीगाबिट पर सेकेंड के हिसाब से पर यूजर आपको देंगे। तो आज का मुसलसा लेक्चर था जिसमें हमने आपको दो चीजें बताई है, गाइडेड मीडिया और अनगाइडेड मीडिया। दूसरा सवाल ये बनता है कि कम्युनिकेशन में कौन से मीडिया इस्तेमाल होते हैं जो दुनिया में, तो चार मीडिया इस्तेमाल होते हैं। रिपीट समरी है, फिजिकल मीडिया, क्वेक्सियल मीडिया, माइक्रोवेव मीडिया और फाइबर मीडिया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। शेयर करना, लाइक करना ना भूलिए। नई मनोर, थैंक यू।